हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो आप घर पे आसानी से बना सकते हो झटपट। तो 15 मिनट में स्वीट डेजर्ट तैयार करेंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चीनी ले लेंगे चाशनी बनाने के लिए। आधी कटोरी मैंने यहाँ पे चीनी लिया है, इसको मैं डाल दूँगी एक बर्तन में। और जो चीनी हमने लिया है उसका 1.5 गुना पानी ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी पानी ले लिया है। आप जिस भी कप से चीनी ले रहे हो उसी से पानी नाप लें। गैस ऑन कर दिया है, गैस का फ्लेम अभी हाई है। जब तक कि चीनी नहीं पिघल जाती गैस का फ्लेम हाई रखें। इस तरीके से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और ये देखिए चीनी पिघल चुकी है, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। और अभी इसे 3-4 मिनट तक पकाएंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें केसर डाल दिया है, आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने केसर डाला, केसर से इसमें काफ़ी अच्छा कलर आ जाएगा। और अब हम इसे 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे, थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। हमें कोई तार तैयार नहीं करना है चाशनी में, एकदम चिपचिपी सी चाशनी तैयार करनी है। ये देखिए इस तरीके से हमें चाशनी को तैयार करना है, ये चिपचिपी हो चुकी है। तो चाशनी हमारी बनके रेडी है, गैस हम बंद कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। और अब हम तैयार करेंगे डेजर्ट के लिए रबड़ी। तो ये मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है, फुल क्रीम दूध लिया है मैंने यहाँ पे, आप कोई भी दूध ले सकते हो। गैस ऑन कर दिया है, गैस का फ्लेम अभी हाई है और दूध में हमें उबाल आने देना है। अभी तो देखिए दूध में हल्का उबाल आना शुरू हो चुका है। इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 छोटे चम्मच चीनी लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा हमें नहीं करना है। तो मीडियम अपने हिसाब से चीनी डालें, कंटिन्यू चलाएंगे चीनी पिघलने तक। और साइड में से भी इसको चुड़ा लेंगे क्योंकि दूध साइड में जाके चिपक जाता है। और ये मैंने थोड़ी सी मलाई ले ली है, घर पे रखी थी, आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम या फिर मिल्क पाउडर भी ले सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम अभी हमारा हाई है। मलाई हमने इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन लाने के लिए डाली है। तो ये देखिए दूध हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है पहले से। इसी तरीके से इसको चलाते रहेंगे कंटिन्यू। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। और अब अभी हम कस्टर्ड तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लिया है, ये मैंने वेलेना फ्लेवर का लिया है, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हो। और 1 कटोरी दूध लिया है मैंने यहाँ पे, बिल्कुल ठंडा दूध हमें लेना है कस्टर्ड को मिक्स करने के लिए। और थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध डालना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। और एक पतला सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमें इसको मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के। तो देखिए कस्टर्ड का मिक्सचर हमारा तैयार है, इसी तरीके से हमें इसको तैयार करना है। और गर्म दूध बिल्कुल भी यूज ना करें। तो देखिए दूध को देख लेते हैं, दूध भी हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है पहले से और गैस का फ्लेम अभी लो है। और अब हम इसमें जो कस्टर्ड हमने तैयार किया था उसको डालेंगे। तो हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड को डालना है, एक साथ पूरा नहीं डालें नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। और जैसे ही कस्टर्ड डालें उसको अच्छे से मिक्स करें, इसी तरीके से हमें इसको मिक्स करना है कंटिन्यू चलाते हुए। और 4 से 5 बैचेस में हम इसको डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से इसको मिक्स करें, इस तरीके से डालेंगे तो इसमें एक भी लम्स नहीं पड़ेगा और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसको चलाते रहेंगे हम। अब हमने पूरा कस्टर्ड इसमें डाल दिया है तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा कस्टर्ड बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है बिना लम्स के। और दूध भी हमारा गाढ़ा हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी हमें इसको और गाढ़ा करना है क्योंकि हमें इसकी कस्टर्ड रबड़ी बना के तैयार करनी है। तो रबड़ी थोड़ी गाढ़ी अच्छी लगती है। इस तरीके से इसको चला लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे अभी, नहीं तो चिपक जाएगा ये पैने में जाके। तो देखिए धीरे धीरे गाढ़ी हो रही है हमारी रबड़ी।
और ये बनके तैयार हो चुकी है, पहले से काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। गैस हम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब हमने ये ले लिए टोस्ट, ले लिए, आप कोई भी कंपनी के, लोकल कंपनी के ले सकते हो। और ये मैंने यहाँ पे ले लिया केक टेन, आप इस तरीके का कोई भी बर्तन आपके पास हो वो ले सकते हो। और जो हमने टोस्ट लिए उनको हम इस तरीके से इसमें सेट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें इनको सेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। और अब हमने जो चाशनी तैयार की थी वो इनके ऊपर डाल देंगे। आप यहाँ पे टोस्ट की जगह ब्रेड भी ले सकते हो, लेकिन उसको थोड़ा सा रोस्ट कर ले, उसके बाद ही उनका यूज करें। तो देखिए चाशनी को हमें अच्छे से फैला देना है। और अब हम जो रबड़ी तैयार की थी हमने, कस्टर्ड रबड़ी, उसके ऊपर फैला देंगे अच्छे से। ये देखिए अब इसको थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि ये अच्छे से नीचे तक चली जाए और कोई बबल्स ना रहे। और ये ले ली मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, तो मैंने यहाँ पे थोड़े से काजू और बादाम लिए थे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो या फिर इसको स्किप भी कर सकते हो। अच्छे से फैला देंगे और फिर से वो लेयर बनाएंगे टोस्ट की, सेम प्रोसेस करेंगे। इस तरीके से हमें इनको सेट कर लेना है। चाशनी डालेंगे तो चाशनी को हमें सबके ऊपर अच्छे से डालना है ताकि अच्छे से सोख ले चाशनी को। अब हम इसके ऊपर फिर से डालेंगे रबड़ी। अभी ये थोड़ी गर्म है तो इसलिए पतली लग रही है, सेट होने के बाद ही थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। और टोस्ट भी इसको अच्छे से सोख लेंगे। ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। और अभी इसमें थोड़ा सा स्पेस बचा है तो एक लेयर हम और बना देंगे इसके ऊपर। तो फिर से सेम प्रोसेस करेंगे, टोस्ट को रखेंगे। साइड में थोड़ी सी जगह बच रही है तो हम यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे टोस्ट के। इस तरीके से चाशनी लगाएंगे। रबड़ी फैलाएंगे। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे ऊपर इस पे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा कस्टर्ड केक बन के तैयार है, लेकिन अभी ये खाने के लिए रेडी नहीं है, तो अभी हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो इसको 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें या फिर ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हो, तो मैं इसको ओवरनाइट के लिए रखने वाली हूँ। तो देखिए हमारा केक बिल्कुल बन के तैयार है और ये अच्छे से सेट भी हो चुका है। मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखा देती हूँ चम्मच से। तो देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है, जो टोस्ट हमारी थी उन्होंने चाशनी को अच्छे से सोख लिया है, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें एक बार। तो इस रक्षाबंधन ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। थोड़ा सा काट के मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए आसानी से कट रहा है। तो फ्रेंड्स आप भी रेसिपी मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ। और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। तो देखिए फ्रेंड्स कितना टेस्टी लग रहा है देखने में भी और खाने में तो बहुत ही लाजवाब है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, इसमें रबड़ी है और
केक का भी टेस्ट है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो एक बार फिर से मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ।